नमस्कार, मैं दिव्या थोराजर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के तक प्रमुख खबरों को। अंग्रेजों के जमाने से दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली, खास तौर से FIR, डेली डायरी, आरोप पत्र का हिस्सा रहे उर्दू फारसी के शब्द अब हिंदी और अंग्रेजी के शब्दों से तब्दील होने जा रहे हैं। इसे लेकर दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोरा ने सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर में कहा गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक रीट पिटीशन दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि दिल्ली पुलिस के रोजमर्रा के कामकाज, खासतौर से FIR में उर्दू फारसी के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं जो आम इंसान को समझ नहीं आते, जिसकी वजह से इन शब्दों को हिंदी और अंग्रेजी जैसे सरल शब्दों में तब्दील किया जाए जो किसी को समझने में मुश्किल ना हो। नकली डिजाइनर वस्त्र घोटाला के मास्टरमाइंड और भारतीय मूल के आरिफ पटेल को ब्रिटेन में टैक्स चोरी का दोषी करार दिया गया है। पटेल पर एक आपराधिक गिरोह के साथ मिलकर कपड़ों और मोबाइल फोन के फर्जी निर्यात पर वैट पुनर्भुगतान का दावा कर 9.7 करोड़ पौंड की टैक्स चोरी करने का आरोप था। ब्रिटेन के टैक्स डिपार्टमेंट ने पटेल को दोषी पाया, जिसे देश के इतिहास में जालसाजी टैक्स चोरी के सबसे बड़े मामले में करार दिया गया है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने एक बार फिर जनता से जुड़े सवालों पर गीत गाया है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है। इस गाने के माध्यम से उन्होंने इस बार PM नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। गाने पे वो PM मोदी से सवाल कर रही कि कैसे बनाईबा इस साहब 2024 में सरकार। राष्ट्रीय रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 70,000 से भी ज्यादा युवाओं को केंद्र सरकार ने विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी मिली है। आप सभी को बधाई। NDA और भाजपा शासित राज्यों में सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है। मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक 2 से 3 फ्लाइट रद्द कर दी गई, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और इस दौरान यात्रियों ने जमकर हंगामा किया और बहसबाजी भी हुई। फिर लोग जमीन पर भी बैठ गए। उससे उन्होंने एयरपोर्ट कर्मचारियों के प्रति नाराजगी भी जताई है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नए प्रस्तावित फैक्ट चेक यूनिट पर काफी तेजी से कदम बढ़ाती दिख रही है। इसी कड़ी में अब एक खबर आई है कि सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत बनाए जाने वाले इस नए यूनिट में 4 सदस्य हो सकते हैं। इसमें से IT मंत्रालय का एक प्रतिनिधि और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि, एक मीडिया विशेषज्ञ और एक कानूनी विशेषज्ञ शामिल है। ब्रिटेन के स्मारक कंपनी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी BBC की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने BBC इंडिया के खिलाफ विदेशी फंडिंग मामले में कथित तौर पर अनियमितता बरतने के आरोप में FEMA के तहत केस दर्ज किया है। उमेश पाल हत्याकांड में फरार माफिया अतीक अहमद, अतीक के बेटे असद और उसके सहयोगी गुलाम को UPSTF ने एनकाउंटर में मार गिराया। दोनों पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इनका एनकाउंटर झांसी में किया गया। STF ने दावा किया है कि इनके पास से विदेशी हथियार भी बरामद हुए हैं। यूट्यूबर मनीष कश्यप को बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के सपोर्ट करने पर बिहार के वरिष्ठ IPS अधिकारी सुशील कुमार ने कड़ा एतराज जताया। सुशील कुमार ने अपने फेसबुक पर लिखा है कि आपका ट्वीट सकड़ अविश्वास पैदा करता है। पुलिस पर भरोसा बेशक मत कीजिए, लेकिन देश की न्याय व्यवस्था का सम्मान कीजिए। मैं भी कहता हूं कि जो होगा अच्छा ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा है कि नया भारत नई नीतियों और रणनीतियों के साथ आगे बढ़ रहा है और उनकी सरकार अतीत के प्रतिक्रिया सिद्ध दृष्टिकोण को छोड़कर प्रौद्योगिकी व बुनियादी ढांचे के मामलों में सक्रियता से काम कर रही है। PM मोदी ने रोजगार मेले का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए कहा है कि लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों के लिए मुद्रा ऋण परियोजना से 8 करोड़ से अधिक नए उद्यमी पैदा हुए हैं और सरकार की नीतियों एवं रणनीतियों ने नई संभावनाएं के द्वार खोल दिए हैं। सरकार की ओर से लोगों को फायदा देने के लिए कई स्कीम चलाई जा रही है। इन स्कीम के जरिए लोगों को अलग अलग प्रकार से राहत प्रदान किए जाते हैं। अब मोदी सरकार की ओर से लोगों को एक बड़ी सौगात दी गई है जो कि अप्रैल 2023 के महीने से ही लागू हो चुकी है। इससे करोड़ों लोगों को टैक्स में राहत मिलने वाली है। बुधवार को बिलासपुर में शंकराचार्य स्वामी निष्ठला चंद सरस्वती ने धर्मसभा में RSS पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि किसी के पास बाइबल है, किसी के पास कुरान, किसी के पास गुरु ग्रंथ है, लेकिन RSS के पास कोई ग्रंथ नहीं है। ऐसे में किस आधार पर काम करेंगे और राज करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दिल्ली में मशहूर स्वतंत्रता सेनानी और भारत के आखिरी गवर्नर जनरल सी राजगोपाल चारी के परपोते CR केसवन से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक चिट्ठी शेयर की जो BJP नेता की रसोईया एक सुबु लक्ष्मी की थी। ये बेहद ही मार्मिक चिट्ठी है जिसमें PM आवास योजना के लाभार्थी के तौर पर जिक्र किया गया है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक व पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात को लेकर बिहार में सियासी पारा बढ़ा हुआ है। वही मुलाकात के बाद मांझी ने कहा है कि NDA में शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता है। हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर के पोते सातिकी सावरकर ने बुधवार को महाराष्ट्र की एक अदालत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है।
इसमें उन्होंने गांधी पर लंदन से अपने संबोधन के दौरान सावरकर पर झूठे आरोप लगाने का इल्जाम भी लगाया है। सोशल मीडिया दिग्गज ट्विटर के मालिक एलन मस्क का कहना है कि वे नहीं जानते कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वाली बीबीसी की वृत्तचित्र को भारत में ट्विटर से क्यों हटाया गया। बीबीसी को दिए गए एक साक्षात्कार में मस्क ने कहा है कि भारत के सोशल मीडिया कानून बेहद सख्त है, अगर उनका पालन करने और ट्विटर कर्मचारियों को जेल होने के विकल्पों में से अगर एक चुनना पड़े तो नियमों का पालन करना चुनेंगे। दुनिया के दिग्गज निवेशक और अरबपतियों के लिस्ट में शामिल वॉरेन बफेट ने अमेरिका में शुरू हुए बैंकिंग संकट पर अपनी बात रखी। उन्होंने बैंकिंग संकट के बारे में कहा है कि यह पहली बार नहीं है जब कोई बैंक डूब गया है, भविष्य में भी ऐसे कई और बैंक है जो संकट में आ सकते हैं, मगर इसके लिए ज्यादातर लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पैसे फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के पास सुरक्षित है। सिनेमा और रंगमंच की मशहूर अदाकारा उत्तरा बावकर का 79 साल की उम्र में निधन हो गया है। पिछले एक साल से वो बीमार चल रही थी। मृणाल सेन की एक दिन अचानक के लिए उत्तरा बावकर को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। गोविंद निहलानी की तमस और रुक्मावती की हवेली में उनके नाम के लिए भी उनकी सराहना की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिहार सरकार से पूछा है कि क्या उसने कोई अध्ययन किया है या कोई डेटा है जो यह बताता है कि राज्य में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद शराब की खपत में कमी आई है। बता दें कि शीर्ष अदालत ने यह भी कहकर साफ कर दिया है कि हम इस कानून के लिए सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन यह चिंता का विषय है कि उसे जमानत के लिए कई आवेदन मिल रहे हैं जिनमें से बड़ा हिस्सा शराबबंदी कानून से आता है। क्या महागठबंधन में चिराग पासवान शामिल होंगे? मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए जमुई सांसद व लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि उनका स्टैंड शुरू से ही क्लियर रहा है कि गठबंधन चुनाव के वक्त ही तय किया जाएगा। जब चुनाव समीप आएंगे उसी वक्त यह तय किया जाएगा कि लोक जनशक्ति पार्टी किस गठबंधन का हिस्सा होगा, लेकिन इससे पहले हमारी प्राथमिकता लोजपा पार्टी के संगठन को मजबूत करना है, जनता के बीच आना और अपने जनाधार को बढ़ाना है। अभी इसी प्राथमिकता के ऊपर पार्टी का पूरा ध्यान केंद्रित और उसी पर फिलहाल हम लोग काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रतिस्पर्धा संशोधन कानून 2023 को बुधवार को मंजूरी दे दी है। इसे विनियामक निश्चितता सुनिश्चित करने और ट्रस्ट आधारित कारोबारी माहौल को बढ़ावा मिलेगा। इस बिल को पेश होने के करीब 8 महीने बाद 3 अप्रैल को संसद की मंजूरी मिली थी। इस बिल को वित्त संबंधी संसद की अस्थायी समिति के पास भी भेजा गया था और उसने पिछले साल 13 दिसंबर को संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में हल्के दुर्लभ भूतत्वों में री की मौजूदगी का पता चला है, जो कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, मेडिकल टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस और रक्षा समेत विभिन्न औद्योगिकी और अनुप्रयोगों के लिए एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। वेदांता समूह को झटका देते हुए उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को उड़ीसा उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए करीब 6000 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला किया गया था। राज्य सरकार से नाखुशी जताते हुए शीर्ष अदालत ने कहा है कि वेदांता को अनुचित लाभ पहुंचाया गया और राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित संपूर्ण अधिग्रहण की कार्यवाही पक्षपात से प्रभावित थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत इस साल देश की अर्थव्यवस्था के लिए 6% से अधिक की अनुमानित वृद्धि के बावजूद वैश्विक आर्थिक भू राजनीतिक माहौल को लेकर काफी चिंतित है। उन्होंने बुधवार को यहां एक बैठक के दौरान वैश्विक नेताओं की मौजूदगी में कहा है कि मौजूदा प्रतिकूल परिस्थितियों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त प्रभाव डाला है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पहले ही ऊंची ब्याज दरों, मुद्रास्फीति के दबाव से प्रभावित है। कुछ आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में बैंकिंग क्षेत्र में हालिया संकट ने वैश्विक आर्थिक सुधार के लिए चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। होटल और रेस्टोरेंट में खाना खाकर जब बिल मिलता है तो उसमें सर्विस चार्ज भी जुड़ा होता है, अब पर सर्विस चार्ज का नाम बदला जाएगा। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में बुधवार को नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन से कहा है कि सर्विस चार्ज के बजाय किसी और शब्द का इस्तेमाल किया जाए। कोर्ट ने कहा है कि सर्विस चार्ज की जगह स्टाफ वेलफेयर चार्ज जैसे टर्म इस्तेमाल किया जाए ताकि उपभोक्ताओं को यह न लगे कि यह एक सरकारी टैक्स है। देश की बड़ी डेयरी कंपनी मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी मार्केट स्थिति को मजबूत बनाने के लिए अगले 3 साल में 100 नए प्रोडक्ट लॉन्च करने का फैसला किया है। कंपनी ने बताया है कि इन 100 उत्पादों में से 15 नए प्रोडक्ट इस साल गर्मी के सीजन में ही लॉन्च कर दिए जाएंगे। फाइनेंशियल टाइम्स में छपी रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के प्रबंध निदेशक मनीष बंदलीस ने इस मामले पर जानकारी देते हुए कहा है कि मदर डेयरी देश की डेयरी प्रोडक्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ऐसे में हम अपनी सफर को आगे बढ़ाते हुए ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए और कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। आज खालसा पंथ स्थापना दिवस पर श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने नौजवानों को संदेश देते हुए अपील किया है कि वह बेखौफ और बेपरवाह होकर अकाल तख्त श्री दमदमा साहिब पहुंचे, वह सिखी से जुड़ने से अमृत संचार मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, नशे का त्याग करे। अमृत संचार मुहिम 15 अप्रैल तक चलेगी। 5 प्यारे साहिबान द्वारा यह अमृत
छकाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि पंजाब में आज जो अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है वह खासकर नौजवानों को सिखे से दूर होना है। केरल हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने अपने 2022 के फैसले में भूल जाने के अधिकार पर एक टिप्पणी को हटाने से इनकार कर दिया है, जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि अदालत के दस्तावेजों और निर्णयों से निजी जानकारी को पहचानने और हटाने के लिए गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरणों का उपयोग कर सकता है। पीठ ने उक्त निर्णय की समीक्षा करने की मांग करने वाली गूगल द्वारा दायर याचिका को भी निस्तांतरण किया है। भारत में कोरोना वायरस का ग्राफ हर दिन बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने माना है कि देश में कोरोना की नई लहर आ गई। हालांकि इसे घबराने वाली बात नहीं है। सरकार के इस बयान पर एक्सपर्ट्स का राय अलग है। केवल विशेषज्ञों ने कहा है कि केवल 10,000 केस को नई वेव कहना सही नहीं है। कोविड की अगली वेव तभी मानी जाती है जब पिछली की तुलना में केस ज्यादा हो। अडानी समूह के शेयरों पर आज गुरुवार के कारोबार में लगातार दूसरे दिन गिरावट हावी है। आज घरेलू शेयर बाजार ने भी कारोबार की शुरुआत धीमी की है। शुरुआती कारोबार में अडानी समूह के 10 में से 7 शेयर गिरे हुए हैं। बता दें कि कल भी अडानी समूह के शेयरों पर गिरावट का दबाव हावी था। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है जितेंद्र ठाकुर, बाबूलाल मरांडी, नुन्नू गोलू कुमार, लव बैठा, नौसाद रजा, संजय चौधरी, अर्जुन राम, एमडी साकिर हुसैन, अंशु प्रिया, त्रिलोक कुमार और नीतीश कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।